Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Junior College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you all the concept of motivation and its relationship with learning. Okay, so let's start. मोटिवेशन एंड लर्निंग. देखिए, मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा और लर्निंग माने सीखना या अधिगम. आपसे मोटिवेशन की थ्योरीज पर बात हो गई है, लेकिन जब वो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो अक्सर वो साथ में ये भी पूछते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोटिवेशन एंड लर्निंग, या व्हाट इज द रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग, यानी अभिप्रेरणा का अधिगम में क्या भूमिका है, क्या संबंध है दोनों के बीच में, एंड एज अ टीचर हाउ विल यू डेवलप मोटिवेशन इन योर स्टूडेंट्स, या व्हाट आर दी स्ट्रेटजीज टू डेवलप मोटिवेशन इन योर स्टूडेंट्स, यानी कि अगर आप एक शिक्षक हैं तो कैसे आप अपने शिक्षार्थियों के सामने, विद्यार्थियों के सामने ऐसा वातावरण प्रस्तुत करेंगे कि वो अभिप्रेरित हो जाए, है ना, वो उनको अभिप्रेरित करने के लिए आप क्या करेंगे, ये पूछा जाता है. तो इस वीडियो में इसको कवर करते हुए मोटिवेशन को कम्प्लीट कर दूंगी मैं. तो दिस सक्सेस ऑफ लर्निंग डिपेंड्स ऑन वेदर और नॉट द लर्नर्स आर मोटिवेटेड, यानी कि सीखने का की जो सफलता है वो इसी पर निर्भर करती है कि जो सीखने वाले हैं वो अभिप्रेरित हैं या नहीं है. मोटिवेटिंग लर्नर्स इज अ सेंट्रल एलिमेंट ऑफ गुड टीचिंग. अगर एक अच्छे शिक्षण का आप सेंट्रल केंद्रीय बिंदु देखना चाहें तो वो यही होता है कि आप अपने शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों को किस प्रकार अभिप्रेरित करते हैं. लर्नर्स मोटिवेशन इज प्रोबेबली द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने वालों का अभिप्रेरणा या सीखने वालों का अभिप्रेरण सीखने के एलिमेंट का, मतलब सीखने का सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है. स्टूडेंट्स मोटिवेशन टू लर्न इज ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस बिकॉज स्टूडेंट्स मियर प्रेजेंस इन द क्लास इज ऑफ कोर्स नॉट अ गारंटी दैट स्टूडेंट्स वांट टू लर्न. क्यों ये जरूरी है कि विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा इसलिए जरूरी है क्योंकि विद्यार्थी सिर्फ कक्षा में हैं, ये इस बात की गारंटी नहीं है कि वो सीखने के उद्देश्य से बैठे हैं. तब वो सीखने के उद्देश्य से बैठेंगे जब वो अभिप्रेरित होंगे. मोटिवेटिंग द लर्नर टू लर्न इज पर्टिनेंट टू करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, इसीलिए जो पाठ्यक्रम है उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो सीखने वाला है वो कितना मोटिवेटेड है. मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी एंड बिहेवियर दैट इन्फ्लुएंसेस हाउ इंडिविजुअल्स चूज टू इन्वेस्ट देयर टाइम, हाउ मच एनर्जी दे एक्सर्ट इन एनी गिवन टास्क, हाउ दे थिंक एंड फील अबाउट द टास्क एंड हाउ लॉन्ग दे परसिस्ट इन द टास्क. यानी कि जो अभिप्रेरणा है, ये जो कंसेप्ट है, वो ह्यूमन साइकोलॉजी और बिहेवियर का एक बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट है. मतलब आप साइकोलॉजी तो है ही कॉम्प्लेक्स, आप कोई भी चीज आसानी से नहीं बता सकते कि इंटेलिजेंस ये है, पर्सनैलिटी ये है, इंटरेस्ट ये है, एप्टीट्यूड ये, क्योंकि सब मल्टी डायमेंशनल है, सब एक दूसरे पर इफेक्ट डालते हैं. तो मानव की मनोविज्ञान और व्यवहार का जो अभिप्रेरणा है वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट है, और यही प्रभावित करता है कि इंडिविजुअल यानी कि स्टूडेंट यहाँ पे इन्वेस्ट देयर टाइम, मतलब वो किस में अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, कितनी एनर्जी वो उसमें खर्च करेंगे, कैसे वो सोचेंगे, क्या वो महसूस करेंगे टास्क के लिए, और कितनी लंबे समय तक वो उस टास्क को करेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. मोटिवेशन इज अ प्रोसेस दैट स्टार्ट्स विद फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डेफिशिएंसी और नीड्स दैट एक्टिवेट अ बिहेवियर और ड्राइव दैट इज एम्ड एट ए गोल और इंसेंटिव. वो कह रहे हैं कि मोटिवेशन वो प्रक्रिया है जो कि शुरू ही होती है किसी ना किसी डेफिशिएंसी की वजह से, मतलब कि कोई फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल डेफिशिएंसी है या आवश्यकता है, उसी को पूरा करने के लिए हम मोटिवेटेड होते हैं कि हमें वो करना है. दैट इज व्हाई मोटिवेशन इज रिफर्ड टू एज द रीजंस अंडरलाइंग बिहेवियर, इसीलिए कहा जाता है कि मोटिवेशन क्या है, हमारे व्यवहारों के पीछे का कारण है, हम क्यों मोटिव है हमारे लिए करने का, उस व्यवहार के पीछे का मोटिव या कारण. ठीक है, फिर आपका आ गया मोटिवेशन एज द नेम सजेस्ट इज व्हाट मूव्स ऑन, जैसा कि नाम में ही स्पष्ट है मोटिवेशन का मतलब जो हमको आगे बढ़ाता है, जो हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, जो हमको आगे बढ़ने के लिए शक्ति देता है, वही मोटिवेशन है. मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स टू लर्न इन स्कूल इज अ टॉपिक ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर एजुकेशनिस्ट टुडे, यानी कि आजकल के जो शिक्षाविद हैं उनके लिए बहुत बड़े सरोकार का विषय है कि हम कैसे विद्यार्थियों को स्कूल में सीखने के लिए प्रेरित करें, एंड स्कूल में, विद्यालय में, महाविद्यालय में, कॉलेज में, हमेशा सीखने के लिए. एंड मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन सक्सीड इन स्कूल इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन, और हम किस प्रकार विद्यार्थियों को ऐसे अभिप्रेरित करें कि वो शिक्षा में, शिक्षा की चुनौतियों को, मतलब सो दैट दे कैन सक्सीड इन स्कूल इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकें. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मोटिवेशन विच इज अ साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट इज ऑल्सो ए टीचिंग टेक्निक दैट कुड बी यूज टू एनहांस लर्निंग इन द क्लासरूम. मोटिवेशन देखिए एक साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट तो है ही, इसके साथ एक शिक्षण की पद्धति भी है कि किस प्रकार से आप कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों के अधिगम के स्तर को बढ़ा सकते हैं. The need to develop strategies for motivating learners to enhance their learning outcomes is imperative. है ना? ये अगर आप motivating strategies use करेंगे तो learners सीखेंगे. फिर dimensions of students motivation, कौन से विद्यार्थियों के अभिप्रेरणा के पक्ष के कौन कौन से आयाम हैं, तो
कई आयाम इसके पाए गए हैं, जैसे कॉम्पिटेंस, मतलब उनको पता हो, उनको ये विश्वास हो अपने आप में कि वो काम कर सकते हैं, उनमें वो कॉम्पिटेंस है ये उनको बताना है। कंट्रोल या ऑटोनॉमी, वो जो टास्क कर रहे हैं उसमें उनका कितना कंट्रोल है, स्टूडेंट की कितनी ऑटोनॉमी है। ऐसा तो नहीं कि सब कुछ शिक्षक या गार्जियन के कहने पे ही करना है तो उसके लिए वो मोटिवेटेड नहीं होंगे। इंटरेस्ट और वैल्यू, जो वो काम कर रहे हैं उस काम को वो कितनी वैल्यू देते हैं, कितनी उनकी रुचि है उसमें। फिर रिलेटेडनेस, कितना वो उससे अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, या वो काम को करने से उनको लगता है कि वो किसी सोशल ग्रुप का हिस्सा हो जाएंगे, या जिसको वो मतलब मान सम्मान देते हैं, अप्रूवल देते हैं, उनका अप्रूवल उनको मिल जाएगा। इस तरह से अगर रिलेट कर सकें काम को तो उसके लिए वो मोटिवेट हो सकते हैं। तो ये कह रहा है कि ये चार आयाम हैं, तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, पता होना चाहिए एक शिक्षक होने के नाते, कि अगर हम उनके टास्क से, मतलब उनमें उनमें कॉम्पिटेंस डेवलप कर दें, उनको थोड़ा सा ऑटोनॉमी दे दें उनके टास्क के लिए, उनका इंटरेस्ट और वैल्यू उस टास्क से जोड़ दें और उसको रिलेट कर दें उनके किसी ना किसी पक्ष से, तो स्टूडेंट्स मोटिवेट हो सकते हैं। फिर रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग, शिक्षण अधिगम में मोटिवेशन का क्या रोल है? तो सबसे बड़ी पहली बात, ए लर्नर लर्न्स बेस्ट व्हेन ही और शी रिकॉग्नाइजेस नीड एंड डेवलप द डिजायर टू लर्न। हमने बार बार लर्निंग थ्योरी में पढ़ लिया कि अगर नीड होगी, आवश्यकता होगी, ड्राइव होगी, उसको रिड्यूस करने के लिए आदमी काम करेगा, व्यक्ति काम करेगा, तो आवश्यकता को कम करने के लिए लर्नर उसको सीखेगा। दिस इज थ्रू मोटिवेशन, ये भी प्रेरणा से ही हो सकता है। मोटिवेशन स्टिमुलेट्स लर्नर्स टू थिंक, रिमेन कंसेंट्रेटेड एंड लर्न इफेक्टिवली। जो भी प्रेरणा है वो जो स्टिमुलेट करती है हमको, हमको प्रेरित करती है कि हम सोचें, हम वो काम करें, कंसेंट्रेटेड रहें, केंद्रित रहें उस काम को करने के लिए और अच्छे से सीखें। मोटिवेशन इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ वर्क दैट अ लर्नर इज पुटिंग इन टू अचीव अ गोल। अगर हम मोटिवेटेड होंगे तो हमारे काम करने की गति बढ़ जाती है। मोटिवेशन इज अ सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एकेडमिक लर्निंग एंड अचीवमेंट अक्रॉस चाइल्डहुड थ्रू एडोलेसेंस। इंस्पायरिंग लर्नर्स टू लर्न इज अ मेजर कंसर्न इन एनी ट्रेनिंग सिचुएशन। वो कह रहे हैं कि एकेडमिक, मतलब एकेडमिक क्षेत्र में सीखने सिखाने के लिए मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? क्योंकि हमको लर्नर्स को इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है कि वो काम आपको करना है। The motivation of learning activities helps the learner to concentrate on what she is doing and thereby gain satisfaction. चूंकि अगर हम अभिप्रेरित है छात्र तो वो उस काम को मन से करता है, केंद्रित अपना ध्यान लगा कर करता है और उसको करने के बाद उसको सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। मोटिवेशन डायरेक्ट्स द लर्नर्स बिहेवियर टुवर्ड पर्टिकुलर गोल। चूंकि मोटिवेशन जो है वो हमको दिशा बताता है कि हमको किस तरफ काम करना है और पर्टिकुलर गोल को प्राप्त कर लेना है। मोटिवेशन इंक्रीजेस द इनिशिएशन एंड परसिस्टेंस ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज। मोटिवेशन जो है वो सीखने के लिए इनिशिएटिव, देखिए इनिशिएटिव लेना सबसे मुश्किल है, पहला कदम बढ़ाना सबसे मुश्किल होता है, उसके बाद तो काम होता रहता है कि बहुत मुश्किल है हम नहीं कर पाएंगे, पर अगर हम मोटिवेटेड हों तो हम इनिशिएटिव भी लेते हैं और उस काम को मन से करते भी हैं। देखिए अब यहाँ पे ये मैं नहीं बता रही हूँ, बहुत बार बता चुकी हूँ कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो तरीके का मोटिवेशन है, आप जानते हैं। फिर मोटिवेशन इनहेंसेस कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, यानी कि आपकी दिमागी, आपकी संज्ञान से जितना रिलेटेड प्रोसेसिंग है कि आपके मस्तिष्क में जो क्रियाएं चल रही हैं उसको भी इन्हेंस करता है मोटिवेशन। तो ये लर्निंग को इफेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि अटेंशन देता है आदमी, अगर मोटिवेशन है हमारे पास तो हम उस काम को अटेंशन देंगे, ध्यान से करेंगे। तो अटेंशन सोशल लर्निंग थ्योरी में आपने पढ़ा कि सीखने की का पहला चरण है। तो इस तरीके से जो शिक्षण अधिगम में अभिप्रेरणा अपना रोल प्ले करती है। द स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपिंग मोटिवेशन, कैसे हम अपने छात्रों को मोटिवेट कर सकते हैं। द न्यूरोफिजियोलॉजी ऑफ मोटिवेशन लेंस इनसाइट इनटू द सेंट्रलिटी ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग। जब न्यूरोफिजियोलॉजी ने अपनी रिसर्चेस की तो उसने बताया कि मोटिवेशन का रोल है लर्निंग में। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज व्हाट यू मोस्ट रेडिली एसोसिएट द माइंड विद। अगर मस्तिष्क की आप आंतरिक संरचना के बारे में पता हो तो उसमें पता होगा आपको एक सेरिब्रल कॉर्टेक्स एक हिस्सा होता है। हियर आर एसोसिएशन एरियाज, और इसमें एसोसिएशन मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए एरियाज होते हैं। किसके किसके लिए? मोटर एंड सेंसरी प्रोसेसिंग, कैसे आप मतलब ज्ञानेंद्रियों से और मांसपेशियों से काम करेंगे, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटेलेक्ट, कॉग्निशन, रिकॉल, पर्सनैलिटी, वर्किंग मेमोरी, जजमेंट, रीजनिंग, परसिस्टेंस, प्लानिंग, सबके लिए एरियाज डिसाइडेड हैं माइंड में, आपके ब्रेन में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के हिस्से में। देयर आर एसोसिएशन एरियाज फॉर इमोशनल एंड मोटिवेशनल प्रोसेसिंग, और सांवेगिक और अभिप्रेरित प्रोसेसिंग के लिए भी एसोसिएशन एरियाज हैं। इसलिए सो वी कैन टीच इमोशनल एंड मोटिवेशनल प्रोसेसिंग जस्ट लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिक। इसलिए हम प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिक जैसे पढ़ाते हैं उसी तरह से हम इमोशनल और मोटिवेशनल प्रोसेसिंग भी आपको सिखा सकते हैं कि आप कैसे ज्यादा मोटिवेटेड हो जाएं, आप कैसे ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस रखने लगें।
तो मोटिवेटिंग टीचर्स यूज फार मोर सपोर्टिव मोटिवेशनल प्रैक्टिसेस देन नॉन मोटिवेटिंग टीचर्स हु यूज अ प्री पॉन्डरेंस ऑफ प्रैक्टिसेस दैट अंडरमाइन स्टूडेंट मोटिवेशन. तो जो टीचर्स जो मतलब मोटिवेटिंग टीचर्स यानी कि टीचर्स जो खुद अभिप्रेरित हैं वो अपने बच्चों के लिए अपने छात्रों के लिए विद्यार्थियों के लिए मोटिवेशनल प्रैक्टिसेस यूज करते हैं जिससे कि वो बेहतर कर सकते हैं सीखने में. तो कौन कौन सी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है. जैसे कुछ तो रिसर्चेस से आइडेंटिफाई की गई है जैसे एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स एंड कोऑपरेटिव लर्निंग. यानी हमने बता दिया कि आप पढ़ेंगे आप हासिल करेंगे आप टॉप करेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा. और कोऑपरेटिव लर्निंग मिलजुल कर सीखना, सोशल इंटरेक्शन सबको पता है ग्रुप डायनेमिक्स का रोल क्या है क्लासरूम में तो हम सोशल इंटरेक्शन के थ्रू बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं. स्टूडेंट ऑटोनॉमी एंड चॉइस आपसे बताई दिया गया कि स्टूडेंट की अगर ऑटोनॉमी होगी अपना टास्क चुनने में वो चुन सकेगा तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुनेगा तो वो मोटिवेटेड होगा. सिचुएशनल इंटरेस्ट जो टास्क आप बच्चे को दे रहे हैं उसमें उसका इंटरेस्ट पैदा कीजिए. गोल सेटिंग उसके लिए गोल कीजिए कि आपको नेट क्लियर करना है आपको GRF बनना है आपको रिसर्च में एडमिशन लेना है आपको नौकरी पानी है तो गोल सेट होगा तो मोटिवेटेड होगा छात्र करने के लिए. कॉम्पिटिशन हो हेल्दी कॉम्पिटिशन हो और रेलेवेंट हो वो जो सीख रहा है मीनिंग मेकिंग एंड रियल वर्ल्ड कनेक्शंस और वो जो सीख रहा है जो आप उसको सिखाना चाहते हैं उसको उसके वास्तविक संसार से जोड़िए तो वो बेहतर सीख पाएगा. इस तरीके से हम छात्रों को अभिप्रेरित कर सकते हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जैसे प्रोवाइडिंग पोटेंट मॉडल्स ऑफ लर्निंग यानी कि आप सीखने के अच्छे मॉडल उनके सामने प्रोवाइड कीजिए. प्रॉम्प्टिंग एंड परसुएडिंग स्टूडेंट्स टू लर्न उनको प्रॉम्प्ट बनाइए उनको परसू करते रहिए कि सीखना है सीखना है. एस्टैब्लिशिंग ए पॉजिटिव रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स बच्चों के संग विद्यार्थियों के संग एक आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए. इन्हेंसिंग स्टूडेंट लर्निंग सेल्फ एफिकेसी उनको विश्वास दिलाइए कि वो सीख सकते हैं. यूजिंग इंगेजिंग टीचिंग मेथड्स ऐसे शिक्षण मीडिया यूज कीजिए जिसमें छात्र इंगेज रहे. शो द नीड फॉर द लेसन उस जो पढ़ाने जा रहे हैं उसकी आवश्यकता बताइए छात्र को. फ्री विद प्रेज एंड कंस्ट्रक्टिव इन क्रिटिसिज्म जब प्रशंसा कीजिए तो मुक्त कंठ से कीजिए लेकिन जब आलोचना कीजिए तो सोच समझ कर कीजिए. प्रोवाइड नेसेसरी फैसिलिटीज और रिसोर्सेज उनको सीखने के लिए जो आवश्यक सुविधाएं चाहिए वो उनको प्रोवाइड कराइए. असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए तो उनमें मतलब ये भाव आएगा कि वो कर सकते हैं. ट्रीट लर्नर्स एज ए स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स हर विद्यार्थी जो है वो विशिष्ट है इस तरीके से उसको ट्रीट किया जाए. गिव करेक्ट गाइडेंस उसको सही गाइडेंस दीजिए. चैलेंज दी स्टूडेंट्स को चैलेंज कीजिए मतलब उसकी क्षमताओं को चैलेंज कीजिए कि आप ये कर सकते हैं बढ़ाइए अपनी क्षमता. और प्लेस एप्रोप्रिएट इम्फेसिस ऑन टेस्टिंग एंड ग्रेडिंग और उनके मूल्यांकन और ग्रेड देने पर भी एप्रोप्रिएट इम्फेसिस दें अगर तो हम छात्रों को अभिप्रेरित कर सकते हैं और अगर छात्र अभिप्रेरित होंगे तो वो अच्छा सीखेंगे ये तय ये रिसर्च ने बता दिया है. ठीक है तो ये जनरल सॉरी के बात नहीं दिख रही स्लाइड कोई बात नहीं तो ये लास्ट स्लाइड थी. तो इसके मतलब ये जो छोटे क्वेश्चन है जो साथ में मिलाकर पूछ देते हैं कि आप मोटिवेशन की ये थ्योरी बताइए और बताइए कि हाउ डू विल यू डेवलप हाउ व्हाट स्ट्रेटजीज विल यू यूज टू मोटिवेट योर स्टूडेंट्स. तो आप ये स्ट्रेटजी बता सकते हैं इनको आप जिस हिसाब से प्रश्न पूछा जाए उस हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं. या वो पूछ दे व्हाट इज द रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग तब आप बता सकते हैं. तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को इनकम्प्लीट मतलब कंप्लीट कर सकते हैं इन टोटैलिटी अच्छा लिख सकते हैं और ये जानने के लिए भी जरूरी है. जनरल बातें हैं लेकिन जब एग्जामिनेशन में लिखने बैठिए तो आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे. ठीक है तो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड लर्निंग एंड मोटिवेशन ईच एंड एवरी टॉपिक. ओके सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड दिस. सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. आई हैव डन फ्रॉम माई साइड.